सीतापुर जिला उदाहरण है कि बहुत कथा होते हुए लोगों को कुछ ब्राह्मणों ने आकर के पूरे गांव के लोगों को पीटा। फोन आते हैं, भैया हमें पीटा जा रहा है। किस लिए? कि तथागत बुद्ध का काम हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस देश के महामानव से भी, जो भारत में सबसे बड़ा संघ चलाते हैं, जिनका नाम मोहन भागवत है। अभी मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा कि शायद शास्त्रों में कुछ लोगों ने मिस्टेक कर दी, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। जब इतिहास की इतनी जानकारी है तो ये क्यों नहीं बताते ये सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का देश है? ये क्यों नहीं बताते ये तथागत बुद्ध का देश? एक बार अपने मुंह से कह दो, वहां बैठकर कह दो कि ये देश भारत देश बुद्ध का देश है। और हाँ, भीमार्मी के लोग सब कहते हैं, क्योंकि आत्मरक्षा का सब अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है। ये तय है, स्थिति परिस्थिति बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। एक समय था जब हम बोल नहीं पाते थे, आज समय है हम आंख में आंख दिखाकर बात करते हैं, आंख से आंख लड़ाकर बात करते हैं। ये समय तैयार हो रहा है आने वाले राजपाट की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। ये सिर्फ शासन का प्रभाव है कि आज जय श्री राम के नाम पर हत्या हो रही है। आज लगातार बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, बड़े बड़े स्टॉल लगाए जाते हैं धर्म के नाम पर। इतिहास से जो देखा सीखा तो ये तय है, अगर इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सम्राट अशोक बनना पड़ा, बुद्ध धर्म से पहले वाला या धर्म से बाद वाला, तो बनने में बिल्कुल कोताही नहीं करेंगे, पूरी मजबूती के साथ बनने का प्रयास करेंगे। भारत की ऐतिहासिक जमी पर यह काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कल इतिहास में लिखा जाएगा। और अगर आप कल इतिहास में अपने बच्चे को यह बताकर ना जा सको कि एक भंते जी मेरठ की सरजमी पर आए थे और उन्होंने इतिहास को दोबारा जिंदा करने का काम किया, तो फिर क्या फायदा है आने का? क्या नाम है उनका जी? भंते सुमित रतन जी जो अभी यहाँ पर संचालन भी कर रहे थे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ भीम आर्मी टीम की ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से, कि महत्वपूर्ण कार्य जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा चलाया गया था वो अधूरा था, उसको आप धीरे धीरे करके पूरा कर रहे हैं। यहाँ तमाम वक्ता है, बहुत सारे नाम हैं, विशेषकर जिनको हम अपना गार्जियन मानते हैं, बाबा साहब के परपोत्र माननीय अम्बेडकर साहब और मुख्य उपासक हर्ष बोधी जी। मैं आपको नमन वंदन करते हुए, वे मंच पर मंचासीन सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए, वे तमाम जितने साथी यहाँ आए उन सभी को नमन वंदन करते हुए कुछ बातों पर प्रकाश डालूंगा। देखिए, मैं कल का बच्चा हूँ, मेरी टीम भी ऐसी है, युवाओं की फौज है, पूरी फौज है, और सीख रही है कुछ इतिहास से पढ़कर, कुछ आप लोगों को सुनकर और जानकर, कुछ ऐसी ऐसी बहुत संगतियों से जो यहाँ पर हो रही है। इतिहास में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष आता है, वहीं इतिहास में भीमा कोरे गांव का संघर्ष भी पढ़ा जाता है। जहाँ आज़ादी की लड़ाई आती है वहाँ चमार रेजिमेंट का भी नाम आता है। जहाँ तथागत बुद्ध की करुणा की बात आती है, जहाँ रैदास नानक कबीर की बात आती है, वहाँ शहीद आजम भगत सिंह और उधम सिंह की भी बात आती है। मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि करुणा होनी चाहिए, मैं सहमत हूँ कि शांति भी होनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया जो सम्मान स्वाभिमान मिल गया है, उस सम्मान स्वाभिमान को लेने के बावजूद भी वो अपमान का जीवन कैसे दिया जाए? जैसे उड़ीसा में आज भी बेटियों के रेप हो जाते हैं, वो सम्मान स्वाभिमान का जीवन कैसे दिया जाए? वो लोग जो धम्म का काम करने वाले लोगों को आज भी दिन दहाड़े मारते हैं, सीतापुर जिला उदाहरण है कि बहुत कथा होते हुए लोगों को कुछ ब्राह्मणों ने आकर के पूरे गांव के लोगों को पीटा। फोन आते हैं, भैया हमें पीटा जा रहा है। किस लिए? कि तथागत बुद्ध का काम हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस देश के महामानव से भी, जो भारत में सबसे बड़ा संघ चलाते हैं, जिनका नाम मोहन भागवत है। अभी मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा, जब ढोल गवार सुध पशु नारी इस पर काम चल रहा था, अब से पहले वो ताड़न के अधिकारी थे, आज की नई व्यवस्था में वो शिक्षा के अधिकारी हो गए हैं। तो मैंने सुना उनका स्टेटमेंट कि शायद शास्त्रों में कुछ लोगों ने मिस्टेक कर दी, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। मुझे लगा कि कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है, तो मैं तो निवेदन करता हूं उनसे हाथ जोड़ करके, जब इतिहास की इतनी जानकारी है तो ये क्यों नहीं बताते ये सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का देश है? ये क्यों नहीं बताते ये तथागत बुद्ध का देश? एक बार अपने मुंह से कह दो, वहां बैठकर कह दो कि ये देश भारत देश बुद्ध का देश है। मैं कहता हूं जय श्री राम के नाम पर होने वाले झगड़े खत्म हो जाएंगे, धर्म के नाम पर होने वाले झगड़े खत्म हो जाएंगे। अगर वो लोग कह दें तो नहीं कहते, वो विदेश जाकर कहते हैं। और हाँ, भीमार्मी के लोग सब कहते हैं, क्योंकि आत्मरक्षा का सब अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है। ये तय है, स्थिति परिस्थिति बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। एक समय था जब हम बोल नहीं पाते थे,
आज समय है हम आंख में आंख दिखाकर बात करते हैं, आंख से आंख लड़ाकर बात करते हैं। ये समय तैयार हो रहा है आने वाले राजपाट की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। बिल्कुल, मैं कहता हूं मंच पर मंचासीन लोगों को भी, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं तो सीख रहा हूं, मेरी पूरी टीम सीख रही है। मंच पर मंचासीन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि धर्म की व्यवस्था अगर पूर्ण रूप से बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था को भी आप सब लोगों को मिलकर आगे की ओर अग्रसर करना होगा। और अगर राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था अग्रसर ना हुई तो समझ लीजिए, अभी 20-30-50 साल का इतिहास देखिए। अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि पहले कावड़ के मेले नहीं लगते थे साहब, बिल्कुल नहीं लगते थे। पहले जय श्री राम के नाम पर हत्या नहीं होती थी। यह सिर्फ शासन का प्रभाव है कि आज जय श्री राम के नाम पर हत्या हो रही है। आज लगातार बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, बड़े बड़े स्टॉल लगाए जाते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन किसी गरीब बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं किया जाता। ये व्यवस्था की तो बात है। और हम जो सीख रहे हैं इतिहास से, जो देखा सीखा, तो ये तय है अगर इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सम्राट अशोक बनना पड़ा, बुद्ध धर्म से पहले वाला या धर्म से बाद वाला, तो बनने में बिल्कुल कोताही नहीं करेंगे, पूरी मजबूती के साथ बनने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने मुझे सुना, आभार। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। तथागत बुद्ध से मिली बुद्धि और फूले से मिला ज्ञान। गौर से सुनिएगा, लाइनें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सुनेंगे तो शायद कुछ समझ आ जाए कि बुद्ध से मिली बुद्धि, फूले से मिला ज्ञान, छत्रपति साहू जी महाराज से मिला रक्षण, और बाबा साहब अम्बेडकर से मिला मान सम्मान स्वाभिमान और संविधान। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय भारत।